नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट इशू पर और वो जुड़ा हुआ है संविदा कर्मियों से। एक्चुअली में संविदा कर्मियों से इसलिए इशू बड़ा हो जाता है क्योंकि पूरे देश में लाखों की संख्या में ऐसे मेरे भाई बहन है जो बेगार टाइप सरकार की सर्विस कर रहे हैं, उनको इंतजार है परमानेंट होने का। तो उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यूपी में सरकार एकदम निश्चल निश्चिंत बनी हुई है संविदा कर्मियों के लिए। फिलहाल यूपी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, ना ही तो वेतन और पैकेज बढ़ाने की बात वहां की जा रही है और ना ही किसी प्रकार से स्थायी करने की बात है। लेकिन बिहार सरकार ने काफी कुछ किया है। बिहार सरकार ने सबसे बड़ी जो चीज की है, एक तो उनको जो भुगतान होता है छुट्टियों का वो करने की सरकार ने सिफारिश की है। दूसरी बात, जो नोटिस देकर एक महीने में हटाए जाने वाली बात थी उसको हटा करके 60 साल उनकी जॉब को फिक्स किया है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए किसी संविदा कर्मी की ऑन जॉब डेथ होती है तो वहां 4 लाख रुपए उसके आश्रित को दिए जाएंगे। पांचवी बात, वहां पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव का भी प्रावधान किया गया है बिहार में। इसके अलावा जो भी आगे आने वाले एग्जाम होंगे गवर्नमेंट के, वहां वेटेज देने की बात भी कही है, यानी कि 1 साल के 5 अंक अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप संविदा किसी जॉब पर हैं तो आप 5 साल कम से कम करिए, उसका अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए, फिर आप जॉब छोड़ सकते हैं, अपना नया ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही किसी वैकेंसी में जब मौका मिलेगा तो सरकार आपको ये फायदा दे सकती है। यहाँ जॉब छोड़ने के लिए फिर भी सिफारिश नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि कई बार ये पंगा फंस जाता है सरकार का कि जब वैकेंसी निकलती है तो सरकार वेटेज देने की बात तो करती है लेकिन ये शर्त जोड़ देती है कि जो अभी जॉब पर हैं उन पर ही लागू होगा। इसलिए आपको ये बात भी नोटिस में डाल लेनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इसी को लेकर के इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली राजस्थान में भी सरकार ने, जब गहलोत सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तो संविदा कर्मियों से वादा किया था कि राजस्थान में इस सरकार के कार्यकाल में संविदा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो इसका एक अर्थ तो ये होता है कि सरकार संविदा वालों को आउट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार का पक्ष संविदा वालों के प्रति काफी संवेदनशील रहा और सरकार उन्हें परमानेंट करने के लिए कमेटी बनाई, ठीक है। तो उस कमेटी ने अपना जितना भी सर्वे था, जितना भी रिसर्च था, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन था, वो सारा कंप्लीट कर लिया है और अब चल रहा है फरवरी। फरवरी में आने वाला है बजट, तो सभी को उम्मीद है कि सरकार बजट में संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खासी घोषणा कर सकती है। अब यहां एक चीज आ रही है कि कमेटी का तो ये कह रहे हैं कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो सीएम को सौंपेगी, क्योंकि कैबिनेट का मामला है इसलिए कमेटी की रिपोर्ट को आउट नहीं कर सकते। तो दो चीजें हो रही है, या तो सरकार कुछ ऐसा करेगी कि संविदा कर्मी खुश हो जाए, यानी कि परमानेंट करने वाला मामला होगा कि नहीं होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। कमेटी ने भी साफ साफ कहा है, क्योंकि मामला कैबिनेट स्तर से जुड़ा हुआ है, तो पहले जो फाइल है कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी और वहीं से आउट की जाएगी कि उसमें क्या चीज है क्या नहीं है। इसलिए अभी कोई भी चीज सामने नहीं आई, लेकिन सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए कुछ ना कुछ किया है ये जरूर है। अब अच्छा है या बुरा है वो तो जब ये पिटारा खुलेगा बजट पर, या जैसे भी आगे पीछे सरकार जब भी इसको खोलेगी तभी पता लग पाएगा। और कमेटी ने अपना काम कर दिया, ऐसा कमेटी का जो है दावा है, कमेटी का ऐसा कहना है। फिर भी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है संविदा कर्मियों के साथ, सरकार किस तरीके से या ये रूट किस तरीके से करवट बदलता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।